सो भाई कैसे हो? सो बड़े दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यार। बहुत ठंड है यहाँ नॉर्थ इंडिया में, दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और पिछले दो तीन दिन से यहाँ कंटिन्यू बारिश चल रही है। अभी मैं गीला हूँ, बाहर से आया हूँ, सो इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। होपफुली जैन लास्ट या फेब स्टार्टिंग के बीच में हम लोग काम करना शुरू कर देंगे और यूट्यूब के लिए आपके लिए वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगे। सो आते हैं टॉपिक के ऊपर भाई। सो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि किसी भी टाइप की कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन इलीगल है अब इंडिया में, टोटली इलीगल है। पहले भी ये चीज़ आई थी लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर पास कर दिया गया है कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ दिखता है तो वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। सो मैं आपको बात बता देता हूँ, बेसिकली आप किस टाइप की मॉडिफिकेशन कर सकते हो या किस टाइप की नहीं कर सकते, उन पर आते हैं। पहले बात आती है कि किस टाइप की नहीं कर सकते। गाइस, आप कोई भी मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवाते हो अगर, उसमें आपकी गाड़ी का जो टोटल वेट है ना, जो स्टॉक बाइक आपकी उसका वेट, उससे 2% ज़्यादा कर सकते हो या 2% तक कम कर सकते हो। बस इससे ज़्यादा अगर आप करोगे आपकी लीगल मानी जाएगी मॉडिफिकेशन चाहे कस्टमाइजेशन हो। कस्टमाइजेशन तो वैसे भी लीगल, बिल्कुल ही लीगल होगी वो, कि आप इंजन या चेसी या किसी भी पार्ट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, काट वाट नहीं सकते चेसी को। सो ये तो कस्टमाइजेशन तो आप भूल ही जाओ। और जो बंदे करवाते हैं सो ठीक है भाई, बहुत बंदों का घर भी चलता है, क्या करना अभी। सो हम लोग तो शौक से करते हैं काम, तो हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो यूट्यूब के लिए वीडियो रेगुलर बनाते रहेंगे, कहीं ना कहीं पैसे उड़ाते रहेंगे, आएंगे कहीं से तो उड़ा देंगे। सो हम लोग तो वीडियो बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ पेश करते रहेंगे, लेकिन बहुत से बंदों का घर चलता था यार। बहुत से बंदे कस्टमाइजेशन के लिए ही पार्ट्स बनाते थे इन पे, सो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। और जो बंदे ब्रॉड टायर डलवाते हैं भाई साहब, इलीगल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अलॉय व्हील जो डलवाते हैं, बात आती है अलॉय व्हील्स पे, तो आप 19, अगर आपकी गाड़ी में मान लो 19 इंच का टायर लगा, तो आप 19 इंच का ही अलॉय व्हील यूज़ कर सकते हो, वो भी एक रेपुटेटेड कंपनी जो प्रॉपर रजिस्टर होगी उसके अलॉय व्हील, ये नहीं कि देसी। रीज़न क्या है उसका कि आपने भी बात सुनी होगी और वैसे भी कईयों के तो आसपास ये घटना हुई भी होगी कि बहुत से बंदे अलॉय व्हील डाल लेते हैं 3,000-4,000 वाले मार्केट से लेके, और बहुत बार उनके अलॉय व्हील चलते चलते टूट गए और एक्सीडेंट हुए पड़ा। तो ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी जिसके कारण ये बैन हुए हैं। तो अलॉय व्हील भी अगर आप डलवाते हो तो अच्छी कंपनी का डलवाओ, ये नहीं कि कोई भी ऐसे ही डलवा लो। सो ऐसे कुछ सीन है अभी, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, वैसे जो मेरे को न्यूज़ मेरे को मिली है जिस हिसाब से मैंने देखा है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अलॉय व्हील्स क्या कैसे आप डलवा सकते हो या कैसे नहीं, वो चीज़ मेरे को अभी कन्फर्म नहीं है। सो बात आती है ब्रॉड टायर की, तो भाई साहब भूल जाओ, ब्रॉड टायर तो भूल ही जाओ। अगर आपका 110 टायर लगा तो आप 110 ही यूज़ कर सकते हो, कोई और कंपनी का डलवा लो जिसमें आपको डिज़ाइन अलग मिल जाए, लेकिन 110 का 120 नहीं कर सकते आप, ठीक है। और थर्ड बात आती है कि भाई साहब, जो बंदे बोलते थे हमारी हाइट छोटी है, हमने पीछे वाला 19 इंच या 18 इंच को से छोड़ के हमें 15 इंच का टायर लगाना है, तो भाई साहब वो भी इलीगल है, आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, आप नहीं कर सकते ये सब कुछ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली जो हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन अलो भी की है ना, वो नाम की अलाउड की है। सो एक तरह से सब कुछ बंद कर दिया गया। इवन लाइट्स जो हम लोग प्रोजेक्टर लैंप लगाते हैं उस पर भी ये चीज़ आ गई है कि आप उसकी लाइट कुछ डिस्टेंस तक होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये नहीं कि हम 75 वाट 120 वाट की लाइट लगा ले तो आंखों में पड़ती थी सामने, वो चीज़ भी बैन हो गई है। सो आप अगर लाइट लगवाने जाते हो तो ये चीज़ को पूरा इसकी नॉलेज रख के फिर ही जाके लाइट लगवाओ, नहीं तो आपका भाई चालान कटेगा। चालान नहीं, अब तो सीज का ऑर्डर आ गया है, वो गाड़ी को बंद कर दो भाई। तो ध्यान रखो आपकी कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। सो चालान वालान का काम अब ख़त्म है जो बंदे मॉडिफिकेशन या कस्टमाइज करवा रहे हैं। सो बात आती है अब जिन बंदों ने भाई सब करवा चुके हैं उनका क्या होगा। सो भाई उनका ये है कि उनको अपने DT ऑफिस या रजिस्ट्रेशन जहाँ भी उनकी होती है ऑफिस में नियर बाय, वहाँ पे जाके रिटर्न में वहाँ पे से लिखवाना पड़ेगा। अगर वो सब कुछ देखेंगे गाड़ी में, अगर उनको लीगल लगेगा तो वो रिटर्न में लिख के देंगे और आपकी RC रीन्यू होगी, ठीक है। अगर नहीं लगा तो भूल जाओ भाई, आप बेटर है उसको स्ट्रोक बाइक में वापस लेके आओ, सही रहोगे, नहीं तो ये बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हाँ, वैसे चलाएंगे, बहुत से बंदे शौक के लिए चलाएंगे, आप लोकल अपना चला सकते हो, ये नहीं कि लॉन्ग रूट के लिए ये सब चीज़ें, तो कहने को तो बंद है लेकिन इंडिया में चलता है भाई, तो क्या कहना। अभी मेरे पास भी कस्टम बाइक है तो मैं तो चलाता हूँ, मैं भी चलाऊंगा ही, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको कमरे में पैक करके रख देंगे। तो शौक का कोई मूल नहीं है, तो वही बोलते हैं ना कि शौक के लिए बंदा कुछ भी कर लेता है। सो चलाएंगे, लेकिन लोकल आप चलाओ, लेकिन जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो बैन हो चुकी है टोटल, कहीं पकड़े गए तो भाई सीज हो जाएगी। सो चलिए, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ,
तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू। जैन लास्ट या फेब स्टार्टिंग में हम लोग वीडियोस डालनी रेगुलर शुरू कर देंगे। ठंड बहुत है भाई, अभी काम नहीं हो रहा। जो छोटा मोटा हमने कस्टम बाइक का काम किया है उसकी भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रॉपर वे से वीडियो नहीं बनी। कभी हल्का सा 15% आज काम कर लिया, या 5% या 2% कुछ भी ऐसे, तो वीडियो नहीं बन रही। तो प्रॉपर वीडियो वो फेब स्टार्टिंग से ही हम बनानी शुरू करेंगे, और प्रॉपर रेगुलर फिर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सारा साल आपको वीडियो देखने को मिलेंगी अच्छी अच्छी। चलिए चलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे को लगा कि हाँ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो जो बंदे अलॉय व्हील्स, टायर ब्रॉड, हैंडल चेंज करवाते हैं ये सब, तो भाई सब ध्यान रखे, आपकी बाइक का वेट 2% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए, और स्टैंडर्ड साइज से साइज बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए जो बाइक के साथ आपका कोई भी चीज़ अगर आप करवा रहे हो। इन चीज़ों का ध्यान रखो, नहीं तो पुलिस वालों को तो भाई जब गाड़ी रोकी तो एक बहाना चाहिए, छीन लेंगे। तो अब तो पता नहीं क्या क्या होगा। सो ध्यान रखे, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।